जटाकटाह संभ्रम भ्रमं निलिंप निर्जय। छठवा का पहला देखिए, वक्र वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस आठ पर ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा एक अक्ष के समांतर है। देखिए इसमें चार तो सवाल दिया है, सब सवाल एक जैसे बनेगा। एक चीज याद रखेंगे, जब भी स्पर्श रेखा एक अक्ष के समांतर होता है उसका प्रवणता क्या होता है, स्पर्श रेखा की प्रवणता जीरो होती है यदि वह एक अक्ष के समांतर है। तो पहले आप क्या करेंगे, प्रवणता निकालेंगे। बिंदु बोला है मतलब इसमें क्या करना है, हमें एक्स और वाई का मान निकालना है। पहले लिख लेंगे इसमें, ये वक्र दिया है तो दिया गया वक्र है, दिया गया वक्र है ये वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस आठ। इसको आप क्या मान लेंगे, समीकरण क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे, क्योंकि अब दोनों पक्षों को क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तभी हो जाएगा डी बाई डी एक्स वाई, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स एक्स माइनस डी बाई डी एक्स आठ। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, टू एक्स, एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन एक, आठ हजार राशि इसलिए जीरो इसका अवकलन। यहां से हो गया डी वाई बाई डी एक्स। तभी होगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या बच गया, टू एक्स माइनस वन। अब यहां पर देखिए इसमें बिंदु दिया है, पहले से इसमें प्रश्न क्या दिया है, कंडीशन को समझिए। प्रश्न बोला है स्पर्श रेखा क्या है, एक अक्ष के समांतर है, तो इसको लिखना है। पहले प्रश्न दिया है चूंकि स्पर्श रेखा एक अक्ष के समांतर है, चूंकि वक्र की स्पर्श रेखा एक अक्ष के समांतर है, अक्ष के समांतर है। जब ऐसे समांतर होता है तो इसकी प्रवणता क्या होती है, जीरो। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर जीरो। तो इसका प्रवणता कौन है, ये वाला आपको ध्यान देना है। ये जो डी वाई बाई डी एक्स का मान निकले हैं इसके बदले क्या लिखेंगे, जीरो, प्रवणता उसी बोलते हैं। तभी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स बराबर जीरो। यहाँ पर आएंगे इसको डी वाई बाई डी एक्स बराबर जीरो। डी वाई बाई डी एक्स को ही क्या बोलते हैं, एम मतलब प्रवणता बोलते हैं। तो इस मान को रखेंगे कि इसको टू एक्स माइनस वन को, यहाँ ये हो जाएगा टू एक्स माइनस वन बराबर जीरो। और टू एक्स बराबर ये वन किधर लाएंगे तो माइनस उल्टा प्लस, फिर ये हो जाएगा आपका x का मान निकालेंगे, दो कहाँ आएंगे इसके नीचे। तो x का मान निकल गया एक बटे दो, अब हमको y का मान निकालना है, फिर इसका उत्तर आ जाएगा। तो जो x का मान है इसको समीकरण एक में रखना है तो y का मान आ जाएगा। यहाँ से समीकरण एक है आपका ये वाला, यहाँ से देख लीजिए, इसी में क्या करना है, x बराबर एक बटे दो रखना है। यहाँ लिख देंगे x बराबर एक बटे दो, एक्स बराबर एक बटे दो समीकरण एक में
रखनी पर। तो समीकरण एक क्या है, ये दिया है आपका वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस आठ, तो वाई बराबर हो जाएगा एक्स के बदले लिखेंगे एक बटे दो, फिर घात दो हो गया, एक्स के बदले एक बटे दो यानी माइनस आठ हो गया। तो वाई बराबर होगा एक बटे दो का स्क्वायर है मतलब एक कम एक और दो दूनी चार, ये वैसा ही रहेगा, ये हो गया। तब वाई बराबर हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लेंगे एक बटे चार माइनस एक बटे दो माइनस आठ, इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा एक बटे चार माइनस दो माइनस आठ। तो यहाँ से देखिए आप तिर्यगुणा भी कर सकते हैं और भिन्न करके भी बना सकते हैं। तो मान लीजिए तिर्यगुणा करेंगे दो ठोक पहले लेना पड़ेगा, दो ठोक लेंगे क्या होगा, दो एकम दो, चार एकम चार और चार दूनी आठ, ये आठ को रहने दीजिए, क्लियर इतना। तो ये चार असमान चिन्ह घटेगा, चार में से दो गया माइनस दो होगा, चार बढ़े इसलिए बटे आठ और ये माइनस आठ, तभी हो गया तो एकम दो चौक आठ, तो एक बटे चार हो गया और ये आठ हो गया। फिर इसका तिर्यगुणा करेंगे एक एकम एक आठ चौक बत्तीस, चार एकम चार, तो ये समान चिन्ह जुड़ेगा तो बत्तीस और एक कितना हो जाएगा तैतीस, तो माइनस तैतीस बटा चार। तो इस प्रकार इसका ये आएगा माइनस माइनस तैतीस बटा चार, तो वाई का मान कितना आ जाएगा माइनस तैतीस बटा चार। लास्ट में इसमें लिख लेंगे, आप लोग नीचे में लिखेंगे मैं साइड में लिख लूँगा, ये हो जाएगा अतः बिंदु करके लिखेंगे, अतः बिंदु क्या क्या है एक बटे दो माइनस तैतीस बटे चार, याद रखेंगे एक्स को पहले लिखेंगे वाई को बाद में, पहले एक्स फिर वाई। तो अतः बिंदु एक बटे दो माइनस तैतीस बटे चार ऐसे हैं जहां पर स्पर्श रेखाएं एक अक्ष के समांतर है, स्पर्श रेखाएं एक अक्ष के समांतर है, ये क्या है इसका उत्तर है। तो इस प्रकार आपको अच्छे से इसको बनाना है। देखिए इसका चौथा सवाल, इससे पहले दूसरा और तीसरा वैसा ही बनेगा, पहला के जैसे ही, ये भी वैसा ही है। इसमें दिया है वक्र x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फोर वाई प्लस वन बराबर जीरो के किस बिंदु पर स्पर्श रेखा एक अक्ष के समांतर है। तो सेम प्रोसेस इसमें भी वैसे ही बनाना है, तो लिख लेंगे दिया गया वक्र है, दिया गया वक्र है, क्या दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फोर वाई प्लस वन बराबर जीरो, इसको लिख लेंगे समीकरण एक। अब क्या करना है दोनों पक्षों का, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तभी हो जाएगा d by dx x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर, ये सबको लिख रहा हूँ, टू अच्छा राशि तो अलग करना है, डी बाई डी एक्स एक्स माइनस फोर को लिखना है, डी बाई डी एक्स वाई और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स वन बराबर जीरो। तब यहाँ से एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा टू एक्स होगा, वाई स्क्वायर का बता दिया हूँ अगर एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसका टू वाई और साथ में डी वाई बाई डी एक्स लिखना है एक्स के सापेक्ष हो रहे इसलिए, माइनस टू एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन एक माइनस फोर, ये डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा, एक अचर राशि इसलिए जीरो, ये बराबर जीरो। अब जीरो का अवकलन करेंगे तो जीरो ही होगा, याद रखेंगे इसका जीरो को तो जीरो ही हो जाएगा।
अब ये होगा, देखिए यहाँ से क्या करना है आपको, जो डी वाई बाई डी एक्स है उसको एक साथ रखना है और बाकी को पक्षांतर कर देना है। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे यहाँ पर ये क्या है आपका 2y डी वाई बाई डी एक्स और ये माइनस 4 डी वाई बाई डी एक्स, इसको एक साथ लिखना है, बाकी को पक्षांतर कर देना है। जैसे ये प्लस 2x है तो प्लस उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा। जैसे ये 2 एकम 2 होगा, माइनस 2 है तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। पक्षांतर किए, अब यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, जो एक जैसे वो कॉमन निकलता है, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकलेगा। यहाँ पर क्या बचा 2y और इसमें क्या बचा 4 बराबर माइनस 2x प्लस 2। डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालेंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया माइनस 2x प्लस 2 बटा 2y माइनस गुणा है तो भाग में। अब इसको यहीं पर छोड़ देना है, अभी इसी के बराबर 0 रख के इसको हल करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसमें भी बोला है स्पर्श रेखा एक अक्ष के समांतर है, तो इसको लिख देना है चूंकि वक्र की स्पर्श रेखा एक अक्ष के समांतर है, एक अक्ष के समांतर है, इसलिए स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी, 0 होगी। इसलिए स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर क्या होगा, 0। तो ये जो मान निकाले हैं डी वाई बाई डी एक्स, इसी के बराबर क्या लिखना है, 0। डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 और डी वाई बाई डी एक्स का जो मान आया है उसको लिख देना है माइनस 2x प्लस 2 बटा 2y माइनस 4 बराबर 0। अब देखिए तीरा गुणा करेंगे तो 2y माइनस 4 इधर आ जाएगा, तो अब इसका इससे गुणा करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से होगा आपका, इसमें देखेंगे ये हो गया माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0। समझ में आया ये कैसे हुआ, ये नीचे है तो ऊपर जाएगा, तीरे गुणा किए तो पूरा 0 हो जाएगा, गुणा करेंगे 0 से तो 0। अब मान निकालना है x का, ये हो गया आपका देखिए माइनस 2x हो गया, ये प्लस उल्टा माइनस 2, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर 2। मान निकालना है x का तो 2 गुणा है किसके, भाग में, और 2 एकम 2, यह कितना आ गया x बराबर 1, हमें पहला बिंदु प्राप्त हो गया। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या निकलेगा, y का मान निकल जाएगा। आपका समीकरण एक है ये, देखिए यहाँ से ये वाला समीकरण एक, इसमें रखना है x के बदले क्या रखेंगे, 1। लिखेंगे यहाँ से x बराबर 1, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या है, इसका दिया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 बराबर 0। अब x के बदले 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, y तो वैसा ही रहेगा, ये 2 हो गया, x के बदले 1 माइनस 4y वैसा ही रहेगा, प्लस 1 वैसा ही रहेगा। तो एक दूरी दो नहीं करना है, 1 के स्क्वायर 1 एकम 1, वाई स्क्वायर वैसा ही रहेगा, 2 एकम 2, 4 वाई वैसा ही रहेगा, 1 वैसा ही रहेगा। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, ये प्लस 1 है और ये प्लस 1 है, तो ये जुड़ जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, तो कितना होगा, यहाँ से देखिए अब जमा के इसको लिख सकते हैं, ये हो गया आपका वाई स्क्वायर, फिर लिख देंगे माइनस 4y, देखिए प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया, प्लस 2, और यहाँ पहले से क्या है, माइनस 2 बराबर 0, तो प्लस 2 माइनस 2 कट गया, तो कितना बचा, वाई स्क्वायर माइनस 4y, ये हो गया आपका वाई स्क्वायर माइनस 4y बराबर 0। दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, y, क्योंकि y दो ठो है, ये एक ठो y बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा, वाई को दो बार लिखेंगे y इंटू वाई, तो एक ठो निकाले ना, तो एक ठो बच गया। अब इसको 0 से तुलना करेंगे तो एक बार क्या आएगा, देखिए एक बार हो जाएगा आपका वाई बराबर 0 और एक बार होगा वाई माइनस 4 बराबर 0। दो बार इसको तुलना करेंगे तब ये आ गया आपका वाई बराबर माइनस उल्टा प्लस, तो वाई बराबर 0 और 4 आया, दो माने हैं इसका, क्या आया, यहाँ से आ गया वाई बराबर
जीरो और चार, दो ठो माना है वाई का और एक समान एक ठो है। तो अब इसको उत्तर के रूप में हम लिख सकते हैं। इसका उत्तर के रूप में कैसे बनेगा, दो ठो बिंदु बनेगा, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ जो बनता है वो कैसे बनता है, यहाँ से देखिए एक्स और वाई के रूप में बनता है, तो दो ठो बनेगा, देखिए एक्स वाई और फिर से लिखेंगे एक्स वाई। एक्स का मान कितना है, एक, पहला वाई का मान जीरो, एक्स का मान क्या है एक, दूसरा वाई का मान चार, तो इसका दो ठो बिंदु आया है वन जीरो और वन फोर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः बिंदु, अतः बिंदु क्या है वन जीरो और वन फोर ऐसे हैं जहां पर स्पर्श रेखाएं एक अक्ष के समांतर है। ये क्या है इसका उत्तर, इस प्रकार से आपको ध्यानपूर्वक बनाना है। बस इसका मेथड आपको याद रखना है, प्रोसेस को, तरीका कैसा है इसका, फिर ये आसानी से बन जाएगा। बस ध्यान देना x और y का मान निकालना है और x अक्ष के समांतर है तो स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, जीरो होती है। जटा कटाह संभ्रम ब्रह्मन्य